डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं ज्योति। देखिए बिहार में एक बार फिर से लूट का खेल शुरू हो चुका है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आपको बता दें कि यह आरोप बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर लगाया है। जी हाँ, आप बता दें कि विजय कुमार सिन्हा का ये कहना है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार बिहार में अपना दबदबा बना रही है। दबदबा बना रही है तो सिर्फ किस क्षेत्र में? अपराध में, भ्रष्टाचार में, आतंकवाद में, बस यही उनका काम रह गया है। नीतीश कुमार हमें ये जवाब दे, अगर बालू खनन 1 जुलाई से इस पर प्रतिबंध लग गया था तो आखिर दरभंगा में अभी जो मामला आया है तो ऐसे मामले क्यों उठे? मंत्री के नाक के नीचे से लोग लूट का खेल खेल रहे हैं और मंत्री को पता नहीं चलता है या फिर मंत्री उस पर नज़र नहीं डालना चाहते हैं? इसका जवाब आखिर नीतीश कुमार को देना होगा कि कब तक ऐसे अपराधों में वो अपनी संलिप्तता दिखाते रहेंगे, कब तक उसे बढ़ावा देते रहेंगे। जी हाँ, पहले आप ये सुनिए कि विजय कुमार सिन्हा किन आरोपों को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर बरसते दिखे। बड़े भाई छोटे भाई का बिहार में साम्राज्य है, नगर को नरक बना दिए, भ्रष्टाचारियों के बाहर ला दिए। मुख्यमंत्री जी आप ही नीतीश कुमार हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का खेल खेलने वाले पर मौन क्यों है? बालू के खनन पर रोक के बाद बाढ़ प्रबंधन के नाम पर लूट की तैयारी शुरू हो गई। मंत्री के नाक के नीचे दरभंगा में कटाव से बचने और बाढ़ सुरक्षा के लिए बोरे में बालू के जगह मिट्टी भरकर लूट का खेल शुरू हो चुका है। यह तो एक वानगी है। पूरे प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और कटाव विरोध के लिए होने वाले कार्यों में भी आपदा के दौरान अवसर तलाशने और माफिया अफसर मिलकर लूटने की जो व्यवस्था बना रही है, जनता की त्राहिमाम को नजरअंदाज कर नीतीश कुमार सुशासन बाबू, विपक्ष को लामबंद कर प्रधानमंत्री बनने का आपका महत्वाकांक्षा और स्वार्थ और आपके बड़े भाई अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने का खेल में बिहार को बर्बादी के कगार पर भेज रहे हैं। अगले चुनाव में ऐसे अवसरवादी ऐसे चरित्र के राजनेताओं को जनता सबक सिखाएगी। अगली लड़ाई विकास बनाम भ्रष्टाचार और परिवारवाद के विरुद्ध होगा। आपदा प्रबंधन के नाम पर भी लोक निधि के लूट की छूट कतई नहीं दी जा सकती है। यह सशक्त विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है। और बड़े भाई छोटे भाई, आप दोनों ने भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से समझौता करके बिहार में भ्रष्टाचारियों को बचाने का खेल शुरू कर रहे हैं, सड़क से सदन तक ये लड़ाई चलेगी। और सुशासन बाबू, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आपके मुंह से क्यों नहीं अब निकलता? क्यों आप चुप हो गए, मौन हो गए? जवाब देना होगा। देखिए विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 1 जुलाई से बालू खनन पर प्रतिबंध लग गया था, लेकिन अभी दरभंगा में बाढ़ के कटाव को रोकने के लिए जिस तरीके से बोरा में बालू ना भरकर मिट्टी को भरकर रखा जाता है और मंत्री वहां पर खड़े रहते हैं बट उन्हें पता नहीं चलता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, और जब कटाव होता है जिस तरीके से बाढ़ आती है, क्योंकि अभी बरसात कहा जाए तो बिहार में अभी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि 5 दिन तक भारी बरसात होनी है, भारी वर्षा से लोगों की आफतें बढ़ने वाली है। ऐसे में आखिर सरकार के नाक के नीचे से ऐसे लूटपाट के खेल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है मौन बैठी हुई है। जब भी कोई बिहार पे आफत होती है तो नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, वो विदेश दौरे पे निकल जाते हैं, उन्हें बिहार के लोगों की परेशानियां ना ही दिखाई देती है ना ही सुनाई देती है। वही बात आती है जब विपक्षी पे, तो विपक्षी पे सवाल खड़ा करते हैं कि हमें सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता, इस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। तो अभी हमें ये जवाब दे कि आखिर ये जो मंत्री के आप ही के मंत्री के नाक के नीचे से ऐसे लूटपाट के खेल हो रहे हैं, तब आप मौन क्यों बैठे हैं? सिर्फ दूसरों को झूठे आरोपों में सिर्फ फंसाने का काम जो है नीतीश कुमार करते आए हैं और यही करते रहे और लोगों को एक ढकोसला परोसने का वो काम कर रहे हैं। इसी इन्हीं सब आरोपों को लेकर एक बार फिर से विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार पर जमकर बरसते दिखे हैं। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल डीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।